यूपी सरकार वर्तमान में प्रदेश को निर्यात प्रमुख बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। साल 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का गठन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 का भी फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। भावी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2023 निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यूपी को कृषि उत्पादों का ब्रांड बनाकर दूसरे देशों तक पहुंचाने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। अभी के डेटा के अनुसार यूपी के कृषि दुग्ध और प्रोसेस्ड मीट उत्पादों का बड़ा हिस्सा विश्व के 15 देशों में ही पहुंच रहा है। उत्पादों के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 7 और देशों का चयन किया है। इन सभी 22 देशों में कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रमोशन करेगी। यूपी GIS 2023 के लिए कई देशों के रोड शो के साथ साथ और दूसरे माध्यमों से उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। आइए अब देखते हैं कि किन देशों को क्या निर्यात किया जा रहा है। चावल का निर्यात ईरान, सऊदी अरब और इराक को, गेहूं का निर्यात बांग्लादेश, इंडोनेशिया और UAE को, फल सब्जी का निर्यात UAE, बांग्लादेश और सऊदी अरब को, दुग्ध उत्पाद का निर्यात अमेरिका, UAE और सिंगापुर को, प्रोसेस्ड मीट का निर्यात वियतनाम, मिस्र और मलेशिया को होता है। अब जान लेते हैं आगे सरकार किन उत्पादों को निर्यात फोकस बना रही है। दुग्ध उत्पाद को मिस्र, ओमान और इंडोनेशिया को, प्रोसेस्ड मीट का निर्यात चीन, UAE और ईरान को, चावल का निर्यात यमन, बांग्लादेश और अमेरिका को, गेहूं का निर्यात नाइजीरिया और सूडान को, फल सब्जी का निर्यात चीन, नीदरलैंड और हांगकांग को करने का लक्ष्य बनाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।